नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। देश में केंद्रीय बजट 2021 पारित हो गया है, ऐसे में आइए हम जानते हैं बिहार को लोगों की क्या कुछ उम्मीदें थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-2022 के लिए देश का बजट पेश किया है। उम्मीद थी कि बिहार के लिए भी इसमें काफी कुछ होगा। आपको बता दें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए कुछ उम्मीदें तो पूरी हुई जरूर, लेकिन कई ऐसी मांगें थी जो पिछले कई वर्षों से आती रही थी। कहा जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, देश में पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। ऐसे में जनता की निगाहें इस बजट पर थी कि इस बार बजट में प्रदेश के लिए कुछ अलग जरूर होगा, लेकिन बजट समाप्त हो गया, प्रदेश के हिस्से कुछ भी नहीं आया। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। आइए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनते हैं, उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं, बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया, और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं, प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेस हैं, जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया, और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई चारों तरफ से दबे हुए एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को, हम लोगों को खुशी होती, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया, और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया। किसका पीछे बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है। धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोजगार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें,
कोई है ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर क्या कुछ कहा। इस बजट को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं सरकार के भी लोग नाराज चल रहे हैं। बिहार एनडीए के हिस्सा जीताराम मांझी ने इस बजट को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि मोदी सरकार को निजीकरण से पहले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कानून बनाना चाहिए था, हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं किया। जीताराम मांझी ने यह भी कहा कि ऐसे बजट में आरक्षित वर्ग यानी कि एससी एसटी तबके से आने वाले लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा। ऐसे में आइए अब बात करते हैं बिहार के लोगों को बजट के दौरान इन बातों पर चर्चा तेज हुई कि या हम कह लें कि उनके मन में यह बात चल रही थी कि इन इन बिंदुओं पर बजट के दौरान बिहार के लेकर बात होनी चाहिए थी। बिहार के लोगों में इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार भी आम बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। पटना विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शिरकत लेने के लिए पटना पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्वयं पीएम मोदी के सामने पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी, लेकिन इस बार भी यह नहीं कुछ हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य यानी कि बिहार को 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, हालांकि इस घोषणा के भी बहुत सारी रकम जो है अभी भी बिहार को मिलनी बाकी है। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा रही थी कि बिहार को एक बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई की तर्ज पर विदेशी कंपनियों के सहयोग से बिहार में भी उद्योग जगत की जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर की सुविधा मिलने वाली योजना पर बात होने की बात कही गई थी, लेकिन इस बजट में बिहार के हिस्से ये भी नहीं आया। देश के 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने पर आयकर और अन्य करों में राहत देने की केंद्र सरकार की उम्मीद थी, लेकिन इस बार के बजट में वो भी नहीं मिल सका। बिहार में हस्तकरघा उद्योग को व्यवस्थित करने की योजना को लेकर भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। बिहार औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना और प्रस्तावित बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पटना मेट्रो के साथ जोड़ने की मांग की जा रही थी, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो सकी। तो फिर केंद्रीय बजट पास होने के बाद से बिहार के लोगों के हाथ सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। ऐसे में बजट और बजट से लेकर और भी दूसरी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।